अहमदाबाद सिटी कैब, जी हाँ ये नाम है शहर के नए टैक्सी ऑपरेटर का। ये कंपनी बनी है ओला और उबर जैसे टैक्सी ऑपरेटर्स को टक्कर देने के लिए। ये खास अहमदाबाद शहर के लिए पहली टैक्सी सेवा है। हाल ही में इसे आरटीओ ने भी मंजूरी दे दी है। इस टैक्सी का किराया ऑटो रिक्शा के मुकाबले थोड़ा ही ज्यादा है। ऑटो का मिनिमम किराया 15 रुपए है तो इस टैक्सी का मीटर 20 रुपए से शुरू होता है। टैक्सी मिनिमम 1 किलोमीटर का रेट 20 रुपए है और उससे आधे किलोमीटर का 12 रुपया है, यानी रिक्शा जितना ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। 1-2 रुपए का फर्क है तो भी गाड़ी एसी वाली है, इसके लिए 1-2 रुपए का फर्क रखा हुआ है। बाकी ऑटो और टैक्सी में कोई फर्क नहीं है। बाकी टैक्सी इसलिए निकाली है कि अपने प्राइवेट गाड़ियां हैं वे उनसे अपने रिक्शा वालों को बहुत मतलब कमा नहीं पाते वो लोग, इसके लिए टैक्सी बहुत बेहतर है। अहमदाबाद के ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने ओला उबर से निपटने के लिए तरीका ढूंढा है। मारुति की ऑल्टो को टैक्सी के रूप में उतारा गया है। एसोसिएशन का दावा है कि वो हर टैक्सी ड्राइवर को सरकार से 20% की सब्सिडी दिला रहे हैं, साथ ही बैंक या फाइनेंस कंपनियों से कम ब्याज पर लोन भी दिला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मारुति के साथ ऑल्टो की खरीदारी पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट भी दिलवाया है। साथ ही ओला उबर की तर्ज पर किसी तरह का कोई कमीशन नहीं है, जिसके चलते वो सस्ती सेवा दे पाएंगे। एसोसिएशन तरफ से बिल्कुल निःशुल्क स्वादर और रिक्शा वालों के लिए ये प्रोजेक्ट पूरा बनाया हुआ एसोसिएशन ने मिलके। ये कार के पीछे हम 1 भी रुपया इनसे कमीशन नहीं लेने वाले, और भी जो कंपनियां है मार्केट में वो सब 20-25% कमीशन लेती है पर डे, हमको ऐसा सुनने में आया, लेकिन हमारे एसोसिएशन तरफ से इनका कोई चार्ज नहीं लेने वाला। और सारी चीजों में हमने नेगोशिएशन किए, सारे भाव इतने कम करे हुए कि उनको फायदा ही फायदा। ऑटो एसोसिएशन का टारगेट अगले 3 महीने में ऐसी 200 टैक्सियां अहमदाबाद की सड़कों पर घुमाने का है। अगर आप ये टैक्सी का सिंबल लाल देखते हैं तो समझिए कि अंदर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है। अगर हरा दिखता है तो आपके लिए ये टैक्सी अवेलेबल होगी। और साथ ही आपको ये पीला और काला पट्टा भी याद रखना होगा, जिसके जरिए आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये अहमदाबाद सिटी कैब है। मनीष देसाई, अहमदाबाद।